सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बसंत, आज हम बसंत भाग दो में से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ला जी। इस कहानी का उद्देश्य है, पिछले 10-15 सालों से हमारे देश के खान पान की संस्कृति में बच्चों बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से पहले इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में मिलने लगे हैं। अर्थात अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। आप अब कहीं भी जाओगे बच्चों तो केवल आपको कहीं भी रोटी, दाल, साग, सब्जी तुरंत आपको खाने को आसानी से मिल जाएगी। और इसी तरह से 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो ही चुके हैं। इसी तरह नमकीन के भी कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गटिया भी अब देश के कई हिस्सों में बच्चों स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हमारे हर क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं। और मध्यमीय वर्गीय जीवन में भोजन की विविधता ने अपनी जगह बना ली है। पहले बच्चों अंग्रेजी राज में केवल अंग्रेज ही ब्रेड खाते थे, लेकिन आजकल ये जो ब्रेड है ये हर गांव में पहुंच चुकी है, हर घर में पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों घरों में ये सेकी और तली जाती है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, क्योंकि जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है और कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। लेखक कहता है कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है तो दूसरी ओर भारतीय देश विदेश के व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। लेखक कहता है कि खान पान की संस्कृति देश प्रदेश और विदेश में भी पहुंच रही है। स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधों और तबादलों आदि के कारण भी खान पान की वस्तुएं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच चुकी हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने स्थानीय व्यंजनों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम स्थानीय व्यंजनों की जगह बाहर के व्यंजनों पर अधिक ध्यान देंगे तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, हमें नई नई बीमारियां लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो हमारे बाहर के जो हमने व्यंजन अपनाए हैं वे हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हैं, जिससे कि नई नई बीमारियां हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमें अपने नौजवानों को स्वस्थ बनाने के लिए स्थानीय व्यंजनों पर अधिक ध्यान देना होगा। लेखक कहता है कि स्थानीय बाज़ारों में मिलने वाले व्यंजनों को आधुनिकता के दौर में हमने छोड़ दिया है और पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इसलिए हमें स्थानीय व्यंजनों को ही अपनाना है। खान पान की मिलीजुली संस्कृति तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी समय समय पर जांच करवानी भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा खान पान की बदलती संस्कृति का पूरा पाठ। इसके बाद बच्चों